focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. ये सुपर टेक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो पर्पज है, जो रीजन है, वो हम रेजिडेंट्स जो यहाँ पे 1900 परिवार जो इस सोसाइटी के जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी पीड़ा इन सबको लेते हुए, देखते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सोसाइटी लगभग आधे से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा फ्लैट जो बिल्डर ने बनाए हैं, जो बेचे हैं, उन बेचने वालों ने अपने पूरे जीवन की कमाई, बेचारे वो ईएमआई देते हैं, रेंट देते हैं, उनके घर ये अथॉरिटी जो प्राधिकरण है और बिल्डर प्रॉपर्ट है, दोनों की मिली भगत से इन लोगों की पूरी जिंदगी कमाई उसमें फंसी हुई है, फ्लैट फील्ड है, बेचारे वो रेंट भी देते हैं, ईएमआई भी देते हैं, उनको घर तक नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट इसकी रजिस्ट्री नहीं है। अब रजिस्ट्री न होने का रीजन बिल्डर जानता है, अथॉरिटी जानती है, क्यों नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन हम इनोसेंट बायर्स जो बहुत परेशान हैं। हमारे जो मेहनत की कमाई का जो पैसा है वो हमारा फंसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार हमने पत्र लिखे हैं, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे हैं कि हम बायर्स की हेल्प करें, हमारे घर हमें दिलाए जाए, जो घर सील है उनको खुलवाया जाए, जो रजिस्ट्री जिसकी नहीं हो पा रही है उनकी रजिस्ट्री कराई जाए, कई बार पत्र लिखे हैं, उसका जवाब हम लोग को उचित जवाब नहीं मिला है। प्राधिकरण को पत्र लिखे हैं, उनका भी जवाब नहीं मिला है। इस वजह से हम लोग परेशान हो गए। हम लोगों ने जन आंदोलन की शुरुआत करी, आज लगभग 25 दिन हो गया है आंदोलन करते हुए। लगातार हम लोग रेजिडेंट्स जो हैं इस आंदोलन को पोषण अभियान के तहत हम लोगों ने पूरी बिल्डिंग में जो है बैनर्स लगवाए, हम लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, हिंसन किया, ये लगातार चल रहा है। ये जो गेटना प्राधिकरण है इनसे भी कई बार रिक्वेस्ट करी, भैया हमारी समस्याओं का समाधान कराइए, हमारी कोई गलती नहीं है। हाईकोर्ट ने भी इनको ही आदेश किया है कि भैया यहाँ आपस में बैठा के समझौता कराइए और इनकी समस्या का समाधान, जो इनकी जिंदगी भर की कमाई है उस कमाई का जो इन्होंने लगाई है उसको उनको फ्लैट दिए जाए, इनकी रजिस्ट्री कराई जाए। ये लोग सुनते ही नहीं है। हमारा कई बार हम लोगों ने मीटिंग करने की कोशिश करी, यहाँ के सीईओ तो इतने निकम्मे हैं, जो देवाशीष पंडा है, कई बार पर्सनली मैंने इनसे बात करी कि सीईओ साहब हमारी सोसाइटी के रेजिडेंट साहब से मिलना चाहते हैं, उनकी समस्याएं हैं, 6000 जिंदगियां सर्वाइव कर रही हैं उसमें, आप हमें टाइम दीजिए, हमारी समस्याएं सुनिए, अगर समस्याएं हमारी जेन्युइन है उन समस्याओं का समाधान करिए। उनके पास टाइम नहीं है मिलने का, वो लोगों से मिल नहीं सकते, उनके पास मुख्यमंत्री का फोन आएगा तब वो लोगों से मिलेंगे, नहीं तो लोगों से नहीं मिलेंगे, उनके पास मंत्री का फोन आएगा तो लोगों से मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये कहाँ का तंत्र है, ये कहाँ की कहाँ का मतलब जो जिस लोगों की समस्याओं के लिए जो अथॉरिटी बैठे हुए हैं वो लोगों की समस्याएं सुन नहीं सकते। तो हमारा मानना यह है कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल निलंबित नहीं उनका बर्खास्त कर दिया जाए उनको, तो क्योंकि यहाँ जो समस्याएं हैं वो बैठे बैठे छुट्टियों पर चले जाते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते। कई बार लोगों से रिक्वेस्ट किया, कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया, भैया मीटिंग करिए, हमारी समस्याओं का समाधान करिए, नहीं करते। हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जो हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके माध्यम से जो सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बात हमारी ये है कि जो हमारे फ्लैट सील्ड हैं उन फ्लैट को तत्काल प्रभाव से जो है डीसील करवाया जाए। हमारे फ्लैट की
जो रजिस्ट्री नहीं है उनकी रजिस्ट्री कराई जाए। हमें ये बिल्डर जो है, हमें बिल्डर की बात करता हूँ, ये बिल्डर जो है सुपर टैक, ये पूरी तरीके से फ्रॉड बिल्डर है। इसने कम से कम इस प्रोजेक्ट में प्राधिकरण, जो घटना प्राधिकरण है, प्राधिकरण और बिल्डर सुपर टैक जिन्होंने मिली भगत करके कम से कम इस प्रोजेक्ट में 700 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। सरकार को इसको तत्काल प्रभाव से इसको देखना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए और जांच कराकर, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जांच कराकर जो संलिप्त अधिकारी हैं प्राधिकरण के, उनकी संपत्ति की जांच कराकर उनको तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए, उनका ट्रांसफर न किया जाए। उनका ट्रांसफर करेंगे तो जो यहाँ गंदगी फैला रहे हैं वो गंदगी नहीं और फैलाएंगे। इनको तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। साथ साथ जो बिल्डर जो है, जो सुपरटेक बिल्डर जिसकी मिले भगत से काम हुआ है, ऐसे बिल्डर की भी जांच कराई जाए और इसकी जो भी संपत्ति इसकी जब्त करी जाए और इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। इसको किसी तरह से कोई आगे कंस्ट्रक्शन या आगे लूटपाट करने का या आगे धोखाधड़ी करने का, इसकी आदत पड़ गई धोखाधड़ी करने की, इसको धोखाधड़ी करने का मौका न मिले।